फतेहाबाद से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। फतेहाबाद से जो अहम खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें। बिजली समस्या से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है, जूझ रहे हैं बिजली समस्या से दरअसल ये। और पीली मंदेरी के ग्रामीणों ने भट्टू नोहर रोड पर जाम लगा दिया था। जैसे बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। फतेहाबाद से खबर, बिजली की समस्या इतनी हो चुकी है कि लोगों को जाम तक लगाना पड़ रहा है मजबूरी के चलते। पीली मंदोरी के पास जाम लगाया है ग्रामीणों ने, बिजली पानी की समस्या से परेशान हैं। अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, कैसे बीच सड़क पर लोग खड़े हुए हैं और हरियाणा रोडवेज की जो बस है उसको भी रोककर उसको घेर कर खड़े हुए हैं, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है इन सबको। तो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। बिजली नहीं आ रही, पावर कट इतना हो रहा है कि लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और बिजली की मांग करनी पड़ रही है। भट्टू नोहर रोड है और इसी भट्टू नोहर रोड पर जाम लगाया है जो कि ये तस्वीरें बयां कर रही है। काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर जुटे हैं, बिजली की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के पास भी गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसी वजह से अब इन्होंने रोड जाम कर दिया है। संवाददाता अजय मेहता है हमारे साथ। अजय, काफी दिनों से समस्या बनी हुई थी बिजली की, अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जाम लगा दिया है, क्या कुछ स्थिति है वहां की? जी देखिए, जो ये गांव है पीली मंदोरी राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, यहाँ पे पिछले कई दिनों से जो है बिजली समस्या घर की हुई थी। बिजली समस्या इतनी भयंकर थी कि लोगों को ना तो पीने का पानी उससे मुहैया हो पा रहा था, ना ही जो है इतने भयंकर गर्मी के मौसम के अंदर लोगों को राहत मिल पा रही थी। इस वजह से जो आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीण जो है बड़ी संख्या के जो रोड के ऊपर आ गए और चौपटा रोड को जाम कर दिया है। फिलहाल जो स्थिति है कि अभी जो है पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और समझाने के प्रयास कर रहे हैं और विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया, लेकिन अभी जो है की स्थिति जस की तस है, ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जब तक कोई भी ऐसा अधिकारी जो सक्षम अधिकारी वहां नहीं पहुंचता तब तक ऐसा नहीं लग रहा की जाम खुल जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।